वेलकम टू माय सर्विस सेंटर। आज हम LG 26 इंच LED के बारे में जानकारी देंगे और इस वीडियो की एंड में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलेंगे, जो ऑडिमेंट बाईपास करने से पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए। स्केलर पीस भी इस चेस के अंदर है और इस टीवी में प्रॉब्लम क्या है तो पहले देख लीजिए। ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम, यानी कि कुछ टाइम बाद पिक्चर सही से आ रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से आ रहा है और डाउन साइड में पिक्चर फ्रीज हो रही है, यानी कि रुक रुक कर पिक्चर चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और कैसे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आज हम दिखाएंगे। एक्चुअली ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम ही है। इसमें सारे वोल्टेज चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें पिक्चर ठीक से बन रहा है। सिर्फ इसमें देखना है स्कैनिंग वोल्टेज ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखिए, ये ऑड और इवन है। इसमें स्कैनिंग वोल्टेज को आप देखिए, एक बार 26, एक बार -5, यानी कि एक बार VGH और एक बार VGL ऐसे हो रही है हॉट पर। और इवन पर देखिए, इवन पर भी सही से स्कैनिंग हो रही है। तो इसमें जो स्कैनिंग IC है, यानी कि लेवल शिफ्टर IC है, ये IC ठीक से काम कर रहा है। ये दोनों ट्रैक लाइन है, देखिए इधर यहाँ ठीक से काम कर रहा है। देखिए स्कैनिंग हो रही है, एक बार VGH एक बार VGL। यहाँ भी हो रही है, इवन है, यहाँ भी ठीक से काम कर रहा है। तो एक बार देखिए इधर, इस IC से ऊपर में जो दो ट्रैक लाइन है ये स्कैनिंग की है, यानी कि ऑड और इवन की है। ये दोनों ट्रैक लाइन ऑड इवन की है। यहाँ से यहाँ जो ऑड और इवन है यहाँ तक आ रहा है। तो एक बार देखिए वोल्टेज के साथ पिक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए जब 26 यानी कि VGH वोल्टेज आ रहा है पिक्चर सही है, लेकिन जब -5 आ रहा है पिक्चर प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए 26 पिक्चर ओके, -5 पिक्चर प्रॉब्लम। जब VGH पिक्चर ओके, जब VGL पिक्चर सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ऑडिमन को बाईपास करेंगे। देखिए पॉट पर मैंने 26 वोल्टेज दिया है और इवन पर मैंने -5 यानी कि VGL वोल्टेज फिक्स किया है। देखिए ये VGH पॉट पर और ये VGL इवन पर। तो आप देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैंने कहा था एंड में हम बोलेंगे स्कैनिंग IC में क्या करना है ऑडिबन को बाईपास करने से पहले। कोई भी TV ऑडिबन को बाईपास करने से पहले स्कैनिंग IC से जो दो पिन आउटपुट होता है ऑड और इवन, पहले यहाँ से कट करना बहुत ज़रूरी है। अब कट नहीं किया और ऑडिबन को बाईपास कर दिया तो ये IC डैमेज हो जाएगा। देखिए मैंने ये दोनों टैगलाइन पहले से कट कर दिया और उसके बाद ही ऑडिबन को बाईपास किया।